हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी परी पेपर देके आ चुकी है, तो उसको करीब 10 मिनट हो गए हैं आई हुए। अभी टाइम हो चुके हैं, 12 बज चुके हैं। तो चलिए अब खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पास मैंने मेथी लिया था और बीटरूट, अदरक। तो अभी सब्जी वाला आया हुआ था, तो ये सब्जी मैंने ख़रीदा है। तो मेथी को भी छाटना पड़ेगा क्योंकि इसको छाट के ही रखेंगे, और बाकी चीज़ों को धुलाई करके रख देती हूँ। चलिए, तो यहाँ पास अभी मैं दाल बनने के लिए रख रही हूँ। तो अरहर की दाल है, तो इसमें हल्दी और नमक डाल देती हूँ, वरना गैस में चढ़ा देती हूँ बनने के लिए। और अब एक साइड कढ़ाई रखी हुई है, तो उसमें थोड़ा सा तेल है, तो बाद में ना उसमें क्या करेंगे, दाल में तड़का लगा देंगे, इसलिए उसको मैंने। तो ये अभी दोपहर में आप देख रहे थे, और ये शाम का सीधे क्लिप है। जो दोपहर की दाल बच गई थी ना, उसको मैंने रात में फिर गर्म कर रही हूँ। और एक साइड जो पालक, सॉरी मेथी आपने देखी थी, तो उसकी सब्जी बनाऊँगी। तो यहाँ पास मैंने एक साइड दाल, जो दोपहर की दाल थी, उसको मैंने फिर से गर्म करके रख दिया है, और फिर इसके बाद सब्जी बनाने के लिए मेथी की। तो जैसे हुआ कि मैंने दोपहर में दाल बनाई थी, वही फिर शाम को दाल की, क्योंकि बीच में मैंने कुछ भी सूट नहीं किया, इसलिए आपको दोपहर का और शाम का एक साथ हो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पास मैंने मेथी की सब्जी बना रही हूँ, तो उसमें मैं तड़का लगा दी हूँ। और अब रह गए प्याज और मेथी, सॉरी आलू और मेथी डाल देती हूँ, क्योंकि मैं अब प्याज और सभी चीज़ पहले ही पका ली हूँ। देख सकते हैं कि आप लोग, प्याज यहाँ पास अच्छे से पक चुकी है, तो आलू डाल देती हूँ। इसको थोड़ी देर भून लूँगी और फिर इसके बाद इसमें मेथी ऐड कर दूँगी। अभी इसमें मुझे ना मेथी डालने से पहले हल्दी डाल देना चाहिए, क्योंकि हल्दी डालने से ना आलू में अच्छा कलर चढ़ जाता है, तो मैं भूल गई थी, फिर बाद में डाली हूँ। तो यहाँ पास अब जब तक मेथी हमारी भुन रही है, तब तक हम यहाँ टमाटर भी काट लेते हैं। तो यहाँ पास टमाटर काट के रख लेती हूँ पहले। तो यहाँ पास खाना बन चुका, जैसे आप देख सकते हैं। तो मैं अंक को पहले दे देती हूँ, क्योंकि वो शुरुआत करे खाने से, और फिर इसके बाद ये सुबह का क्लिप है मॉर्निंग की। तो यहाँ पास आज सुबह मैं छोले बना रही हूँ, तो छोले को पहले ही मैंने बॉयल कर लिया है, और इसमें मैंने एक कढ़ाई डाली, उसमें सरसों का तेल, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा तेज पत्ता हो गया, गरम मसाले सभी, और ये जो है अदरक लहसुन, मैंने इसी में सभी चीज़ें ग्राइंड कर लिया था। तो अदरक मैंने नहीं डाली थी, मिर्च और प्याज, मिर्च प्याज और लहसुन एक साथ ग्राइंड कर ली थी, क्योंकि अदरक ना पहले पकाओ तो फिर कढ़ाई में नीचे लगने लगती है, इसलिए उसको मैं टमाटर के साथ हमेशा पीसती हूँ। छोले बॉयल हो चुके हैं, तो इनको भी ऐड कर देती हूँ। और छोले में मैंने एक आलू भी डाल दी थी छील के, तो जो पूरी मिक्स हो चुकी है, और यहाँ पास देख सकते हैं कि बन चुका है। और मैंने कुकर में फिर डाल दिया छोले, क्योंकि मुझे कढ़ाई में पूड़ी बनानी थी। तो छोटी छोटी मेरी वीडियो क्लिप रखी हुई थी बनी हुई, तो मैंने सोचा कि उनको भेज देती हूँ। तो बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, जिसकी वजह से अभी भी चल रहे हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं बच्चों के एग्ज़ाम, तो जिनकी वजह से ना थोड़ा सा उनमें ध्यान देना ज़रूरी था, इसलिए मैं वीडियो नहीं भेज पा रही थी। और क्या है ना कि एक दो दिन का गैप अगर हो जाता है, तो फिर थोड़ा सा ना आलस टाइप से आने लगता है कि अरे क्या करूँ, छोड़ो चलो फिर कल भेज देंगे छोड़ो। फिर मैंने फाइनली सोचा कि नहीं, आलस नहीं करना है, वीडियो भेजनी है। जो भी मेरे पास हल्की फुल्की सूट थी, तो मैंने उनको एडिट करके मैंने सोचा कि चलिए भेज देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गैप हो जाएगा ना, तो फिर मन भी एकदम अजीब सा हो जाता है, वीडियो भेजने का मन नहीं करता। और चलिए, तो यहाँ पास भी चावल फ्राई किए हैं, सुबह सुबह का ही टाइम है, तो परी का आज पेपर है, तो उसके लिए थोड़ा सा चावल रखा हुआ था, रात का बच गया था, तो उसको फ्राई कर दिए हैं, तो सभी लोग ना खा लेंगे, और सब्जी भी बन गई है। और फिर इसके बाद देखते हैं मैं क्या कर रहा है, क्योंकि इसका आज पेपर नहीं है, तो इस ब्रेकफास्ट भी कर रहा है और मस्ती भी अपने कुछ देख रहा होगा। और यहाँ पास कपड़े रखे हुए थे, तो मैं उनको भी फोल्ड करके रख देती हूँ पहले। और इसके बाद मैं सब्जी लेने गई हुई थी बाहर, तो बच्चे बोल रहे थे फुल्की लाने के लिए, तो थोड़ा सा फुल्की मैंने बाहर से लेके आई, और
बाकी के जो फुल्की है ना, इनको मैंने थोड़ा सा घर में ही बना दिया था, तो बच्चों ने इंजॉय